हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका इंडियन स्पाइस किचन हिंदी में। और आज आप लोगों को पता है हम दोनों मिलकर के बनाने वाले हैं बहुत ही गजब की बहुत ही। चलिए आज मैं इनको बनाना सिखाती हूँ, देसी चिकन बनाना। हमने यहाँ पर लिया हुआ है 1 kg चिकन, जिसको कुछ 6 से 7 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले डालेंगे हम किसी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच डार्क सोया सॉस। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, कुछ गरम मसालों को रोस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे 2 से 3 चम्मच हरा धनिया, 2 छोटी इलायची, 2 से 3 फूल अवतरी के, 5 से 7 काली मिर्च, 3 साबुत लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 1 साबुत लाल मिर्च आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। चिकन को हमारे मैरिनेट होते हुए लगभग 30 मिनट हो चुके हैं और हमारे कुछ गरम मसाले थे उनको, जिनको कि हमने रोस्ट कर लिया है। और चलिए अब हम चिकन को करते हैं फ्राई। 1 कप डालेंगे सरसों का तेल। तेल हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया, हल्का हल्का धुआं भी आने लगा है। चिकन को ना एकदम डार्क फ्राई करना है, यानी कि बिल्कुल मतलब हल्का हल्का सा बिल्कुल ब्राउन हो जाए। इतना डार्क चाहिए कि बस देखते से ही ना मुँह में पानी आ जाए, बनाने वालों को नहीं देखने वालों को। देखिए हमारा पूरा का पूरा चिकन जो है फ्राई हो चुका है, यानी डार्क फ्राई हो गया है। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी बनाते हैं। जिस तेल में हमने चिकन को फ्राई किया था उसी तेल को हम यूज करेंगे। तो तेल तो हमारा पहले से ही गर्म था। अब लेते 2 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई। प्याज हमारी भुन चुकी है, अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच भर के हल्दी और इसको चला देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 मिनट बाद डालना हमको भुना चिकन। जो गर्म मसाले को हमने रोस्ट किया था वो मसाला हल्का सा दरदरा हमें कूटना है, उसमें डालना है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। रोस्टेड मसाला सारा सब कुछ डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पिसी हुई। ये केवल कलर के लिए होती है, इसमें तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है। सारे मसाले वसाले डालने के बाद पानी इसमें डालना है हमें नमक आपके स्वाद के अनुसार। तो देखिए तेल भी छोड़ने लग गया है चिकन। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों से अच्छे से क्रश करके। कसूरी मेथी डाल दी है, चिकन को हमने अपना चला दिया है। अब इसमें डालेंगे फेंटा हुआ दही है 50 से 60 ग्राम। तो दही वही हमने सब कुछ डाल दिया है और दही को डाल के हमने लगभग 1 मिनट अच्छे से चिकन को अपने चला लिया। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। गर्म पानी हमको डालना है, आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। आपको पतला बनाना है, गाढ़ा बनाना है। मैं आपसे ये कहूँगा तली जो ग्रेवी जो है ना थोड़ी सी मोटी ग्रेवी बनाना। तो पानी हमने डाल दिया है चिकन में और अब इसको बिल्कुल मध्यम आंच पर, आप जितनी मध्यम आंच पर पकाओगे ना चिकन उतना ही शानदार बनेगा। और लगभग 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल मध्यम आंच पर आप अपनी गैस की फ्लेम को कर देना बिल्कुल स्लो। देखिए हमारा शानदार सी आज की रेसिपी एकदम तैयार हो चुकी है, बन चुकी है। ग्रेवी बिल्कुल सूख चुकी है। अब डालते हैं इसमें हरा धनिया, हरे धनिया की गार्निशिंग। चिकन हो या मटन, हरा धनिया के बगैर तो रेसिपी अधूरी है।